हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के है और एक्सेल में क्या खास है आइए आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये एक्सेल शीट ओपन है और यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा होगा एम्प्लॉय का नेम, फिर सैलरी है, फिर ओवर टाइम है, फिर इंसेंटिव है और हमें टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए हम जनरली करते क्या है, इज इक्वल टू का निशान लगाते हैं और यहाँ पर जो है या तो सम का फॉर्मूला लगा दे तो ये सबको ऐड कर देगा, या यहाँ पर आप क्या करते हैं इसको सेलेक्ट करते हैं, प्लस का निशान लगाते हैं, फिर इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर प्लस का निशान लगाते हैं, फिर इसको सेलेक्ट करते हैं, देन एंटर करते हैं, ये काम करते हैं और फिर यहाँ से ड्रैग करवा लेते हैं तो यहाँ पर आपको सभी चीजों का टोटल होता हुआ नजर आ रहा है, देख सकते हैं। लेकिन ये काम हमें नहीं करना है, हमें क्या करना है यहाँ पर डेटा पर कहीं पर भी रहते हुए कंट्रोल के साथ वन कंट्रोल के साथ ए प्रेस करना है, ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है, ठीक है। शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट F3, ये शॉर्टकट की है और जैसे ही इसको हम प्रेस करते हैं ना तो ये विंडो ओपन होती है, ये देख सकते हैं क्रिएट नेम फॉर फ्रॉम सेलेक्शन। तो यहां पर आपको नीचे वाला ऑप्शन जो है ये लेफ्ट कॉलम, इसको अनटिक कर देना है और इसको रखना है टिक, ये जो है ना इसको टिक रखना है और ओके करके और बस हो गया काम। अब आपको कोई भी सेल रेंज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाइए, यहाँ पे लिखिए सैलरी, तो देखिए ये सैलरी आ जाएगा, प्लस का निशान लगाइए, ओवर टाइम के लिए ओटी आ जाएगा, ये प्लस का निशान लगाइए और इंसेंटिव के लिए आई प्रेस कीजिए, INC, तो देखिए यहाँ पर इंसेंटिव आ जाएगा, फिर प्लस का निशान लगाइए, अब तो कुछ है ही नहीं तो बस आप एंटर कर दीजिए, ये आपका आंसर आपके सामने है, ठीक है। तो ये एक स्मार्ट वे है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।